तो लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्जन मेथड पढ़ा था स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर जो हमारा कल था वो हमने उसमें इन्वर्जन मेथड पढ़ा था। इन्वर्जन मेथड एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ, फिर हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं। इन्वर्जन मेथड में कैसा रहता था कि यहाँ पे कोई भी तीन इक्वेशंस अगर गिवन है, बट हमें दो ही इक्वेशंस था स्टूडेंट। यहाँ पे जैसे इक्वेशंस है, फर्स्ट वन a1x b1y c1z d1, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है, y का जो कोएफिशिएंट है और z का जो कोएफिशिएंट है उसको मैट्रिक्स A में लिखना होता है, उसको मैट्रिक्स A में लिखना होता है। फुल स्क्रीन में वीडियो नहीं आ रहा है। वेरिएबल्स को मतलब इसमें जो भी अननोन वेरिएबल्स कैपिटल एक्स में लिखना है, एक्स वाई जेड। इसके बाद में कॉन्स्टेंट्स में यहाँ पे देखोगे तो डी वन डी टू डी थ्री है, तो यहाँ पे डी वन डी टू डी थ्री है कॉन्स्टेंट, उसको क्या लिखते थे बी। और इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला क्या था, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी था। यहाँ पे ये क्या था, हमने ए को किस में कन्वर्ट किया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था। सो आज जो रिडक्शन मेथड पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कोई भी हम लोग तीन इक्वेशन कंसिडर करते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल्स टू डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल्स टू डी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल्स टू डी थ्री। ये हमने इक्वेशंस कंसीडर किया स्टूडेंट। उसके बाद में क्या करना है ना, अच्छा ये रिडक्शन मेथड में भी क्या करते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू। बट रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मतलब यहाँ पे क्या करोगे ना, जैसे अगर आपको पता है कि यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स है, एक्स वाई और जेड है, तो कैसे कि यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है मतलब ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, जो वेरिएबल एक्स वाई जेड जो कॉन्स्टेंट है डी वन डी टू डी थ्री है। रिडक्शन मेथड का भी सेम फॉर्मूला है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है, एक्स इज इक्वल्स टू बी है, तो हमें क्या करना होगा ना इसमें एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है तीनों इक्वेशन में, तीनों इक्वेशन में देखो अगर किसी में भी, अगर समझ लो हमें फर्स्ट एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये जो है वो नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर y जीरो होगा z जीरो होगा, y एंड z दोनों जीरो होंगे, तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे समझ लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x का वैल्यू कुछ भी है समझ लो, और y और z दोनों क्या है, जीरो जीरो है, तो हमें यहाँ पे किसका वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ए वन एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी वन, ये टर्म है और ये टर्म है। रिडक्शन मतलब क्या, यहाँ पे ना वेरिएबल्स को ना जीरो में कन्वर्ट करना होता है। अब जैसे एक इक्वेशन में वाई को जीरो किया और जेड को जीरो कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में वाई को जीरो किया और जेड को जीरो किया, ठीक है, दो वेरिएबल्स को हमने जीरो में कन्वर्ट किया, किसका वैल्यू मिला फर्स्ट स्टेप से, एक्स का वैल्यू मिल गया। ओके नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे ध्यान से, ये एक्स का वैल्यू हमें पता है पहले से, ये टर्म हमें पता है, बट वाई और जेड नहीं पता है, तो वाई जेड में से किसी एक को जीरो में कन्वर्ट करो। समझ लो हमने जीरो जीरो में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें एक्स का वैल्यू पहले पहले इक्वेशन से पता था, फर्स्ट इक्वेशन से हमें एक्स का वैल्यू कैलकुलेट किया था हमने, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स का वैल्यू, तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, वाई का, क्योंकि जेड क्या है, जीरो है। अच्छा हमें एक्स भी पता है और वाई भी पता है, तो एक्स और वाई पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन कंसिडर किया, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू सेवन है, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस ऑफ z इज इक्वल्स टू 3 है, और लास्ट इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 7 है। जब कोई भी तीन इक्वेशन इन्वॉल्व होंगे ना, तो आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स को जीरो में कन्वर्ट करना है। जैसे समझ लो हमने
इसको जीरो कर दिया और इसको जीरो कर दिया, किसी को भी आप लोग जीरो में कन्वर्ट कर सकते हो, देखने का कि कौन सा मतलब मेथड इजी होगा जीरो कन्वर्ट करने के लिए, या किसी रो में करना या फिर किसी कॉलम में करना। तो देखो दो रो में जीरो होगी, सॉरी एक रो में दो जीरो हो गए, ठीक है। अच्छा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से, वाई का, किसका वैल्यू मिल जाएगा, वाई का वैल्यू मिल जाएगा। अब क्या करोगे ना, वाई का वैल्यू हमें पता है, समझ लो ये वाई का वैल्यू हमें पता है, तो इन दोनों में से यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि जब एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होंगे तो उनका वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग रिड्यूस करके उसको जीरो में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें वाई का वैल्यू पता है, अब एक्स को जीरो में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, जेड का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें वाई मिला है, जेड मिला है, फिर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्स मिल जाएगा। एक हम सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बात याद रखो आप लोग, कोई भी सिंगल रो में दो जीरो होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी और एक रो में, समझ लो फर्स्ट पॉइंट है सिंगल रो में कोई भी दो जीरो होना चाहिए, फिर इसके बाद में सेकंड यहां पे कोई भी सिंगल रो में एक जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्या बात याद रखना है कि कोई भी रो में दो जीरो होना चाहिए पहले, और फिर कोई भी सिंगल रो में एक जीरो, मतलब कैसे पर्टिकुलर एक रो में दो जीरो, जैसे इसमें ये दोनों जीरो है और फिर बाद में यहाँ पे ये दोनों ये जीरो है, तो कैसे एक रो में दो जीरो और एक रो में एक जीरो होना चाहिए, ठीक है। एक सम सॉल्व करते हैं तो अच्छे से समझ जाएगा। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, फर्स्ट सम यहाँ पे, एक मिनट में क्वेश्चन कॉपी कर ले रहा हूं। टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव, थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री है। तो आप लोग पहले यहाँ पे कैपिटल ए का मतलब मैट्रिक्स लिखो, ए के लिए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, एक्स के लिए क्या है यहाँ पे टू है और वाई के लिए क्या है वन है, तो ये टू हो जाएगा और वन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये थ्री है और ये फाइव है, तो थ्री फाइव ए का मैट्रिक्स हो गया। कैपिटल एक्स के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, दो ही है ना, एक्स और वाई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स और ये वाई। नेक्स्ट वन जेड के लिए, सॉरी बी के लिए क्या आ जाएगा, फाइव और माइनस थ्री। ए हो गया, कैपिटल एक्स हो गया और बी हो गया। सो स्टूडेंट अभी क्या हमें जो एक मेरा रिडक्शन मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है, वैल्यू पुट करो, ए के लिए क्या है टू वन थ्री फाइव, एक्स के लिए क्या है यहाँ पे एक्स वाई, बी के लिए क्या है फाइव और माइनस थ्री। अच्छा ये हमने जो बताया मतलब ये मैंने जो आप लोगों को बताया इसमें कैसे थ्री वेरिएबल्स इंक्लूडेड है, बट अगर जब दो वेरिएबल होंगे जैसे समझ लो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सेवन है और यहाँ पे थ्री थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव है, ठीक है। तो अब कैसे कोई भी जब दो इक्वेशन होंगे तो अगर फर्स्ट में वाई जीरो है, कोई एक रो में एक ही जीरो है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, और एक्स जब मिल जाएगा इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। तो जब टू बाय टू मैट्रिक्स होगा तो उसमें कोई एक ही जीरो होना चाहिए, मतलब सिंगल जीरो होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये कैसे टू बाय टू के लिए, तो इसमें हमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं करना है, इसमें आप लोगों को क्या करना है ना, देखना है कि कौन सा टर्म जीरो हो सकता है इजिली। अब देखो अब रिपीट पूरा कैसे कर सकते हैं शुभम, वो डाउट मतलब पूछते ना मुझे व्हाट्सएप पे। अब यहाँ पे कैसे है ना, टू वन और थ्री फाइव है, ठीक है, टू वन थ्री फाइव है, हम क्या करेंगे अब ये फाइव को जो है ना वो जीरो में कन्वर्ट कर देते। क्यों ऐसा, फाइव को इसमें क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या ये वन है और हमें पता है कि अगर कभी वन होता है तो वो इजिली कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे ना, ये फाइव है प्लस फाइव है, तो प्लस फाइव का अपोजिट क्या होगा, माइनस फाइव हो जाएगा, तो माइनस फाइव लिख के इसके बाद में यहाँ पे वन है,
अभी देखो ये कंडीशन मैं लिखूंगा तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोग कोई भी कंडीशन अप्लाई करके कोई सिंगल एलिमेंट को जीरो करना है, तो अब कैसे, ये जो फाइव है ये कहाँ पे है, सेकेंड रो में है। देखेंगे अगर उसके ऊपर वन है ना तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सेकेंड रो आर टू इम्प्लाइज आर टू प्लस फाइव का अपोजिट क्या होगा माइनस फाइव, उसके ऊपर वाले को रो से मल्टीप्लाई कर दो आर वन, तो यहाँ पे आर टू चेंज होगा, आर टू चेंज होगा आर वन वैसे लिखो फाइव ये टू वन। अच्छा वैल्यू पुट करो, आर टू का वैल्यू कितना है थ्री है, तो थ्री माइनस फाइव, आर वन कितना है टू है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं आर टू माइनस फाइव आर वन, आर टू जो हमारा है ना वो थ्री है, थ्री माइनस फाइव आर वन कितना है टू है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस सेवन, ये कितना आ जाएगा माइनस सेवन, और ये कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे आर टू जो है वो माइनस थ्री है, तो माइनस ऑफ थ्री माइनस फाइव, और ये कितना आ जाएगा फाइव, ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ ट्वेंटी एट। अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो ना नंबर है यहाँ पे ये एक जीरो हो गया, तो आपको क्या करना है अब इसको मल्टीप्लाई करना है, टू का मल्टीप्लीकेशन एक्स के साथ हो जाएगा तो क्या लिखोगे टू एक्स, और वन का मल्टीप्लीकेशन वाई के साथ हो जाएगा तो क्या लिखोगे वाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, अब नेक्स्ट के लिए माइनस सेवन एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ, तो माइनस ऑफ सेवन एक्स, और जीरो किसके साथ होगा वाई के साथ, तो वो लिखो या मत लिखो इक्वल्स टू क्या है फाइव और माइनस ऑफ ट्वेंटी एट। अब दोनों को इक्वेट कर दो, टू एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा फाइव के, और माइनस सेवन एक्स किसके इक्वल होगा माइनस ट्वेंटी एट के इक्वल होगा। सो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव और माइनस सेवन एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्वेंटी एट, तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, हाँ ये मैंने आप को बताया प्राची पहले ही कि यहाँ पे ना हमको आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें ये देखना है कि वन कहाँ पे आ रहा है, ये सेकेंड कॉलम में आ रहा है ना, तो अभी कैसे ये अगर कंडीशन आप देख रहे हो, अगर हम यहाँ पे आर टू लिखेंगे तो आर टू में ही तो फाइव है, यहाँ पे जो अगर लास्ट में अगर आर टू लिखोगे जैसे हमें आर टू इम्प्लाइज आर टू लिखा है, वापस आर टू नहीं लिख सकते क्योंकि हम ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, जहां पे वन है ना वो रो हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें फाइव से मल्टीप्लाई करके इसके बाद में दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, एक दो सम करेंगे अच्छे से समझ जाएगा। अब यहाँ पे कैसा हो जाएगा ना, ये माइनस है यहाँ पे भी क्या है माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सेवन एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी एट है, तो एक्स इक्वल्स टू सेवन फोर सा ट्वेंटी एट हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू फोर आ गया, आप ये एक्स का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा सब्सटीट्यूटिंग एक्स इक्वल्स टू फोर, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा टू इंटू फोर प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव, तो ये वाई इक्वल्स टू फाइव माइनस एट हो जाएगा, तो वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ थ्री। आप लोग देख रहे हो ये रिडक्शन मेथड जो है इसमें हम लोग ना एक एलिमेंट को रिड्यूस कर रहे हैं जीरो में, और इसके बाद में रिडक्शन मेथड मतलब किसी एलिमेंट को रिड्यूस करना है जीरो में फिर ब्रैकेट ओपन करके मतलब सॉल्व कर देना है आगे, जब दो इक्वेशन होंगे तो किसी एक एलिमेंट को जीरो करना, जब यहाँ पे तीन इक्वेशन होंगे तो किसी सिंगल रो में दो जीरो करना और किसी सिंगल रो में एक जीरो करना। अगर आपको ये मतलब ये कंडीशन टफ लग रहा होगा ना तो आप लोग क्या करना इसको आइडेंटिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। क्यों, एक मिनट में यहाँ पे इसका दूसरा मेथड भी बता देता हूँ सो दैट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे कैसे टू थ्री है वन फाइव है, यहाँ पे क्या एक्स वाई है, और ये क्या है फाइव और माइनस थ्री है। मैंने क्या बताया आप लोगों को, इसको अगर आइडेंटिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तभी भी हो जाएगा, वो कैसे लेकिन ना एक ही कॉलम में करने का और आगे बाकी नहीं करने का, तो वो कैसा हो जाएगा, अब देखोगे यहाँ पे टू है यहाँ पे थ्री है, तो बड़ा नंबर कौन सा है थ्री है, तो थ्री में से टू माइनस कर दो कितना आ जाएगा वन, हमें यहाँ पे ना वन करना है, क्या करना है वन करना है, आइडेंटिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले वन आता है फिर जीरो फिर वन और फिर जीरो ऐसा होता है, बट हमें सिर्फ फर्स्ट कॉलम में ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं दोनों को पहले इंटरचेंज कर देता हूँ क्योंकि थ्री और टू में बड़ा कौन है थ्री है, तो आर वन को इंटरचेंज कर देता हूं मैं आर टू के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा
थ्री और फाइव ऊपर हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, या तो एक काम करो सबसे इजी ना, माइनस कर दो दोनों को, आर टू इम्प्लाइज आर टू माइनस आर वन, क्यों ऐसा, क्योंकि वन चाहिए ना अपने को, ये थ्री में से टू माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा वन, फाइव में से वन माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा फोर, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही माइनस थ्री और माइनस फाइव कितना हो जाएगा माइनस ऑफ एट, आर वन को वैसे लिखो स्टूडेंट टू वन, यहाँ पे कितना है फाइव है। अब आप लोग क्या करोगे ना, देखो हमें वन चाहिए था तो इसको इंटरचेंज कर दो, तो वन ऊपर आ जाएगा तो ये कैसे होगा आर वन इंटरचेंजेस टू आर टू, तो ये वन फोर हो जाएगा और ये टू वन हो जाएगा, वेरिएबल्स चेंज नहीं होंगे याद रखना भी, एक्स वाई, और ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ एट और ये फाइव हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, ये एलिमेंट को जीरो कर देना है, ये कैसे, कौन से रो में है, सेकेंड रो में है, तो आर टू इम्प्लाइज आर टू प्लस टू का अपोजिट क्या हो जाएगा माइनस टू, तो माइनस टू आर वन, ये फर्स्ट कॉलम है इसलिए फर्स्ट रो आ जाएगा, ये मैं आपको पहले वाले एक्सरसाइज के मेथड से बता रहा हूं। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, आर वन को वैसे लिखो वन फोर एक्स वाई, यहाँ पे माइनस ऑफ एट, अच्छा आर टू माइनस टू आर वन, आर टू कितना है टू है, माइनस वैसे ये टू टाइम्स ऑफ आर वन कितना है वन है, तो टू माइनस टू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, अच्छा आर टू अब कितना है वन है, अब माइनस टू टाइम्स ऑफ आर वन कितना है फोर है, तो टू इंटू फोर कितना हो जाएगा एट, एट में से अगर वन माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस सेवन आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है ये फाइव है। So, अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। सर आई हैव अ डाउट सर। हाँ हाँ बोलो सर, जो फर्स्ट रो है सर उसमें से डायरेक्ट वन माइनस करके वन को जीरो कर देंगे तो भी आंसर आएगा सर? किससे किससे सर? सेकंड कॉलम इन फर्स्ट रो सर, अगर उसको जीरो कर बाय सबट्रैक्टिंग वन फ्रॉम द फर्स्ट रो तो हम लोगों को मिल जाएगा वन जीरो एंड थ्री फाइव सर, तो उससे आंसर मिल। नहीं नहीं सब्ट्रैक्ट ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हो ना, वन से ऐसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ वहाँ पे होना चाहिए रो वगैरह। ओके सर, ऐसे डायरेक्ट किसी भी रो को किसी भी एलिमेंट को कुछ भी नंबर ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम लोग। सो इसलिए पहले वहां पे ना कैसे देखोगे कि वन का वहां पे आ रहा है, वन के जो नीचे वाला एलिमेंट होगा ना उसको इजिली डायरेक्ट जीरो कर सकते हो आप लोग। एक दो सम अच्छे से करेंगे, एक दो सम और करेंगे तो आप लोगों का डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू टू है, नेक्स्ट है यहाँ पे थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल्स टू फोर है। अब यहां पे पहले ए का मैट्रिक्स कंसिडर करो, लेट ए इक्वल्स टू, ए के लिए क्या आ जाएगा, ए के लिए हमारे पास यहाँ पे वन थ्री वन थ्री और इसके बाद में थ्री फाइव है, ए का मैट्रिक्स हो गया उसमें कैपिटल एक्स का मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, फिर बी का मैट्रिक्स, बी के लिए क्या आ जाएगा टू फोर, ठीक है। तो बाय रिडक्शन मेथड यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है, तो ए एक्स इक्वल्स टू बी, तो ए का जो वैल्यू है वो लिखो यहाँ पे, ए के लिए कौन है वन थ्री थ्री फाइव, एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है एक्स वाई, और जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है टू फोर है। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि पहले देखो कहाँ पे वन आ रहा है, देखो ये मैट्रिक्स में वन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो कॉलम में जो एलिमेंट है ना उसको जीरो इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, ये प्लस थ्री है तो प्लस थ्री को हम लोग जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये थ्री कहाँ है सेकेंड रो में है, तो आर टू इम्प्लाइज आर टू प्लस थ्री का अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट माइनस थ्री, तो माइनस थ्री। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ये कहाँ पे है वन कहाँ पे है फर्स्ट रो में, इसलिए यहाँ पे आर वन लिखा, वैसे ही हमने यहाँ पे भी किया था स्टूडेंट, ये जो फाइव है ये कहाँ पे है सेकेंड रो में है इसलिए सेकेंड रो लिखा, और वन कहाँ पे है फर्स्ट रो में इसलिए हमने यहाँ पे लास्ट में फर्स्ट रो लिखा था। रिडक्शन में हमें कैसे भी करके एक एलिमेंट को जीरो कन्वर्ट करना है, तो अब यहाँ पे सेकेंड रो चेंज हो रहा है, फर्स्ट रो वैसे लिखो, फर्स्ट रो क्या है हमारा वन थ्री, ये एक्स वाई और ये कितना है टू है, अच्छा आर टू माइनस थ्री आर वन, आर वन का वैल्यू क्या है वन है,
तो यहाँ पे वन मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री इंटू वन कितना हो जाएगा, थ्री, और हमारा आर टू भी थ्री है तो थ्री माइनस थ्री कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आर टू कितना है, फाइव है, तो ये क्या लिखा मैंने, फाइव माइनस थ्री, आर वन कितना है, थ्री है, यहाँ पे थ्री, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ फोर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस ऑफ फोर, यहाँ पे भी वैसे ही कंडीशन हो जाएगा, सॉरी आर टू कितना है फोर है और आर वन कितना है टू है, तो थ्री आर वन है तो आर वन को थ्री से मल्टीप्लाई करो, थ्री इंटू टू कितना होगा सिक्स, माइनस सिक्स हो जाएगा, ये फोर में से माइनस सिक्स करोगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ टू। सो हमारा यहाँ पे ये एक एलिमेंट जीरो में कन्वर्ट हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, वन का मल्टीप्लीकेशन एक्स के साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वन को अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, थ्री को वाई के साथ करोगे तो क्या आएगा, थ्री वाई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जीरो को एक्स के साथ करोगे तो जीरो हो जाएगा, और माइनस फोर वाई को टू के साथ, सॉरी माइनस फोर को वाई के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ फोर वाई, और यहाँ पे इक्वल्स टू क्या रहेगा, टू और माइनस टू। यहाँ पे बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस ये क्या हो जाएगा, x प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू टू, x प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू टू, और जो नेक्स्ट वाला इक्वेशन होगा फोर वाई इक्वल्स टू माइनस फोर वाई इक्वल्स टू माइनस टू, माइनस माइनस कैंसिल, therefore y equals to क्या आ जाएगा वन बाय टू, जो y है वो वन बाय टू हमारा आ गया। इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो y का। सो ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स तो पूछो। हाँ एक लास्ट सम इसका, फोर्थ वन के लिए, फाइव एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू फोर, सेवन एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू फाइव। यहां पे क्या दिया है, फाइव एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू फोर और सेवन एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू फाइव, ठीक है। तो हम पहले ए का मैट्रिक्स लिखते हैं, लेट ए इक्वल्स टू, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइव टू और ये क्या हो जाएगा सेवन थ्री, और बी के लिए, सॉरी कैपिटल एक्स के लिए जो मैट्रिक्स है हमारा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक्स और वाई, और फिर लास्ट में बी के लिए, बी के लिए क्या है फोर और फाइव है। तो रिडक्शन मेथड के लिए क्या फॉर्मूला है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है, तो ए के लिए यहाँ पे क्या है फाइव है सेवन है टू है थ्री है, एक्स के लिए क्या है एक्स वाई है, बी के लिए क्या है फोर फाइव है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं पे वन नहीं आ रहा है, तो कहीं पे भी वन नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक काम करो, ये देख रहे हो थ्री और टू को माइनस कर दो, थ्री टू को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो बड़े नंबर है उसको छोटे नंबर से, मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो हम लोग लिखना है, कैसे लिखोगे, ये जो थ्री है, थ्री कहाँ पे है सेकेंड रो में है, तो क्या लिखोगे आर टू इम्प्लाइज आर टू माइनस आर वन, क्योंकि हमें वन चाहिए, तो सिर्फ सेकेंड रो चेंज होगा यहाँ पे, बाकी सब वैसे ही फोर यहाँ पे, और ये कैसे फाइव टू। अच्छा सेवन में से फाइव माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा टू, और थ्री में से टू माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा वन, और फाइव में से वन फोर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा वन, हमें वन मिल गया, ठीक है। अब उसके जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसको जीरो इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा ये टू कहाँ पे है, फर्स्ट रो में, तो हम लोग क्या लिखेंगे आर वन, आर वन इम्प्लाइज आर वन, वो प्लस टू था तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस टू, और जो वन है ना वो अब कहाँ पे है सेकेंड है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे आर टू लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो R1 चेंज होगा, R2 को वैसे लिखो, मैं पहले R2 को वैसे लिख देता हूं वन, और यहाँ पे R1 क्या है, सॉरी R2 क्या है टू वन है। अच्छा देखो कि R1 का जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो फाइव है, हमने क्या लिखा है R1 माइनस टू R2 लिखा है, तो R1 कौन है फाइव है। अच्छा R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है टू से, तो टू को जब टू से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा फोर, और फाइव माइनस फोर कितना हो जाएगा वन,
और ये तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वैसे ही ये देखो कि तो आप कितना है, फोर और वन है, यहाँ पे कितना है, फोर है और वन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो को पहले टू से मल्टीप्लाई करो, मतलब वन को जब टू से मल्टीप्लाई करोगे, वन को जब टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टू आ जाएगा, और फोर माइनस टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो हमारा ये सिंगल एलिमेंट कन्वर्ट हो गया जीरो में। अब मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, तो ये वन इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और जीरो इंटू वाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रो के लिए टू इंटू एक्स कितना हो जाएगा, टू एक्स, और ये फिर वन इंटू वाई वाई, और यहाँ पे क्या है, टू और वन। तो ये क्या हो जाएगा, अभी x इक्वल्स टू टू, अब यहाँ पे टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन, एक्स का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो टू इंटू टू कितना हो जाएगा, फोर प्लस वाई इक्वल्स टू वन, देयरफॉर वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री। तो स्टूडेंट हमारा रिडक्शन मेथड और इन्वर्जन मेथड कंप्लीट हो गया, होप सो आप लोगों को कुछ डाउट नहीं होगा। अब हम थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जो कि ये मतलब तीनों भी वर्ड प्रॉब्लम्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये थ्री मार्क्स के लिए पेपर में आता है। जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर फाइव, ये आपका लास्ट मतलब ये जो मतलब मैट्रिसेस चैप्टर है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब जैसा लास्ट ईयर का टेक्स्ट बुक है वैसे इस बार का भी है, इसमें सम्स हो गया, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किया, लॉजिक में काफी चेंजेस था बट ये चैप्टर में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं, ये एक्सरसाइज तो पूरा सेम है लास्ट ईयर के जैसा। क्वेश्चन नंबर थ्री से क्वेश्चन नंबर फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर में ये वर्ड प्रॉब्लम्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये थ्री मार्क्स के लिए आते हैं बोर्ड में। वर्ड प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट, तो मैं एक बार थोड़ा क्वेश्चन लिख देता हूं, वीडियो ऑफ करके मैं थोड़ा क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक पार्ट बस, द कॉस्ट ऑफ फोर पेंस, आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। So, यहां पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या दिया है ना, द कॉस्ट ऑफ, द कॉस्ट ऑफ फोर पेंसिल्स, थ्री पेन्स, टू इरेजर्स इज रुपीज क्या दिया है, 60 दिया है। यहां पे थ्री मतलब कोई थ्री क्वांटिटीज है, यहाँ पे एक पेंसिल है, पेन है, और क्या इरेजर है, तो हमें थ्री वेरिएबल्स भी कंसिडर करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ फोर पेंसिल्स, थ्री पेन्स एंड टू इरेजर्स इज रुपीज क्या दिया, 60 दिया है। एंड द कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल्स, फोर पेन्स एंड सिक्स इरेजर्स इज रुपीज कितना दिया, 90 दिया है। तो यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को ना पहले इक्वेशंस में फ्रेम करना होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, पेन है, पेंसिल है और इरेजर है, तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं क्या यूज करना, क्या फाइंड क्या करना है, कॉस्ट कॉस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी रुपीज एक्स है, और फिर इसके बाद में कॉस्ट ऑफ वन पेन
is rupees y and cost of one eraser rupees z. ठीक है, हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल कंसीडर किया x y z. अच्छा ये ब्लर आ रहा है क्या थोड़ा बहुत सर? ओके थैंक यू महालक्ष्मी. तो हमने एक मिनट रुकना, फिर मैं थोड़ा कैम क्लीन कर लेता हूँ. यहाँ पे अब क्या करोगे ना, देखोगे फर्स्ट के लिए अगर एक पेंसिल का कॉस्ट एक्स रुपीज है तो फोर पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? फोर एक्स हो जाएगा. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो पेंसिल है यहाँ पे कितने हैं? फोर है, फोर पेंसिल्स है. तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना? एक्स रुपीज है. तो फोर के लिए कितना हो जाएगा? फोर एक्स हो जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या होगा? फोर एक्स है, थ्री पेंसिल है, वाई है, तो थ्री वाई है. और इरेजर के लिए कितना है? टू है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू जेड. इन सबका काउंट करोगे तो कितना अमाउंट है? सिक्सटी रुपीज है. तो ये फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम हो गया, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड इक्वल्स टू सिक्सटी. नेक्स्ट वैसे ही टू पेंसिल है, फोर पेन है और सिक्स इरेजर है. तो टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस सिक्स जेड इज इक्वल्स टू कितना है? नाइनटी है. सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा. नेक्स्ट के लिए सिक्स पेंसिल है, टू पेंसिल एंड थ्री इरेजर है. तो सिक्स टू और थ्री है. तो सिक्स एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल्स टू कितना है? सेवेंटी है. ये थर्ड इक्वेशन बन गया. अब आप लोग क्या करोगे ना, ये जो एक्स वाई और जेड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसको हम लोग इन्वर्जन मेथड भी यूज कर सकते हो और रिडक्शन मेथड भी यूज कर सकते हो. इन्वर्जन मेथड में काफी टाइम लगता है, सो हम लोग रिडक्शन मेथड प्रेफर करेंगे क्योंकि उसमें जैसे एक दो में, एक रो में एक जीरो करना रहता है और एक रो में दो जीरो करना रहता है. सो वो इजी होता है और हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे उससे फिर. और देखो कैसा हो जाएगा ना, अगर इसमें कोई भी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो रहा है, जैसा ये इक्वेशन देखो भाई टू फोर सिक्स नाइनटी दोनों सब किससे डिवाइड हो रहा है? टू से. इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, टू को टू से डिवाइड करोगे तो ये कितना वन, तो वन एक्स. फोर को टू से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? टू आई. सिक्स को टू से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? थ्री जेड इक्वल टू फोर्टी फाइव. अच्छा यहाँ पे ए का मैट्रिक्स क्या आ जाएगा बताओ? लेट ए इक्वल्स टू, जो ए का मैट्रिक्स है यहाँ पे फोर थ्री टू है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? फोर थ्री टू. और जो बाद में वन टू वन टू थ्री है, ये क्या लिखोगे? वन टू थ्री. और लास्ट इक्वेशन जो है सिक्स जेड और सॉरी सिक्स टू और थ्री है, तो सिक्स टू थ्री. ए का मैट्रिक्स लिखने के बाद यहाँ पे कैपिटल एक्स का मैट्रिक्स, एक्स के यहाँ पे वेरिएबल्स कौन है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड आ गया. बी के लिए मैट्रिक्स, बी के लिए मैट्रिक्स सिक्सटी है, फोर्टी फाइव है और सेवेंटी. अब इन्वर्जन मेथड या फिर रिडक्शन मेथड जो आपको इजी लगता है वो करो. यहाँ पे मैं लिखता हूं, मैं पहले ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ए एक्स इक्वल्स टू बी. ए का मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं पहले फोर थ्री टू वन टू थ्री सिक्स टू थ्री. इसके बाद पे क्या हो जाएगा? x, y और z हो जाएगा. यहाँ पे क्या दिया है? 60, 45, 70. अगर रिडक्शन मेथड अगर 3 बाय 3 के लिए सॉल्व करना है ना स्टूडेंट, तो आप कैसे एक काम करो, आइडेंटिटी. हाँ
Sir, the meeting is about to end time-wise, so I'm just sending a link instantly. Okay, sir. Okay.